नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित प्रसंग सेल एवं बैटरी पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम द्वितीयक सेल के बारे में बताएंगे। द्वितीयक सेल वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनको काम लेने से पूर्व चार्ज किया जाना जरूरी है। जब हम इन सेलों में विद्युत सप्लाई प्रदान करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इस परिपथ तथा परिपथ में जोड़ने पर एकत्रित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है और अब हमें उसे दोबारा काम लेने के लिए पुनः चार्ज करना पड़ता है। इस तरह सेलों को मिलाकर बनने वाली बैटरी को हम लेड एसिड बैटरी या द्वितीयक सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेड एसिड बैटरी दूसरा हो सकता है निकिल कैडमियम सेल, तीसरा निकिल आयरन सेल आदि। लेड एसिड बैटरी ये वर्तमान में अधिकतर प्रयोग में लिया जाने वाला सेकेंडरी सेल है। इसके मुख्य पार्ट निम्न है। नंबर एक हमारा कंटेनर है, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें हैं, तीसरा सेपरेटर है, चौथा हमारा सेल कवर है, पांचवा प्लेट कनेक्टर है, छठा सेल कनेक्टर है, सातवा सीलिंग कंपाउंड है, आठवां वेंट प्लग और नौ इलेक्ट्रोलाइट है। हम हमारे एक कंटेनर के बारे में हम आप बात करेंगे। ये एक आयताकार गंधक युक्त कठोर रबड़ का बना होता है। इस कंटेनर पर अम्ल आदि का किसी भी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें प्रत्येक सेल के भाग में होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें रखी जाती हैं और इस आयताकार कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इस कंटेनर के नीचे की तरफ एक कीच घर बना रहता है, जिससे रासायनिक क्रिया के कारण द्रव्य नीचे कीच घर में जमा होते रहते हैं। दूसरा धनात्मक व ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट के लिए रेड लेड अर्थात लाल शीशा तथा सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 की गाढ़ी लुगदी बनाई जाती है तथा ऋणात्मक प्लेट के लिए एलो लेड अर्थात पीला लेड तथा लिथार्ज की गाढ़ी लुगदी बनाई जाती है। अब दोनों पॉजिटिव व निगेटिव प्लेटों को तनु H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में डुबा कर बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जाता है। इस प्रकार धनात्मक प्लेट लेड पराक्साइड की तथा ऋणात्मक प्लेट शुद्ध शीशे की बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट हम सेपरेटर पे बताएंगे। सेपरेटर ये सेल के अंदर का भाग होता है जो पॉजिटिव व निगेटिव प्लेटों को इंसुलेटेड अर्थात विद्युत रोधित करने का कार्य करता है, जिससे सेल के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट न होने पाए। ये सेपरेटर सूक्ष्म छिद्र युक्त बनाए जाते हैं ताकि प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रोलाइट का आवागमन बना रहे। सेपरेटर छिद्रयुक्त रबड़ या छिद्रित पीवीसी के बनाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है सेल कवर। सेल के ढक्कन कठोर रबड़ के बनाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक सेल ढक्कन से ढका रहता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट बाहर न निकलने पाए और इन्हें छेद किए होते हैं, जिससे इनमें वेंट प्लग को कसा जाता है। प्लेट कनेक्टर, ये प्लेट कनेक्टर दो सेलों की प्लेटों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आते हैं। इन्हें शुद्ध लेड से तैयार किया जाता है और इन्हीं से सेल के मुख्य टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर निकाले जाते हैं। सिक्स पॉइंट है सेल कनेक्टर। सेकेंडरी सेलों की संख्या बहुत क्षमता के अनुसार बहुत अधिक होती है। प्रत्येक सेल में शुद्ध शीशे के बनाए जाते हैं। सीलिंग कंपाउंड सातवां पॉइंट है। सीलिंग कंपाउंड
ये बिटुमन यौगिक का बना होता है। इनका उपयोग बैटरी के कवर के जोड़ों को अम्ल टाइट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे यह जोड़ लीक प्रूफ बने रहते हैं। उसके बाद वेंट प्लग आता है। शेलों के ढक्कन कठोर पीवीसी के बने होते हैं, जिसमें चूड़ीदार छिद्र बने होते हैं, जिसमें डाट लगी जाती है और इस डाट को कसा जाता है। इनका उपयोग पानी डालने या बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट, लेड सेल में सांद्र H2SO4 में आसुत जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए हम जल का 3 भाग आसुत जल तथा 1 भाग गंधक अम्ल प्रयोग करते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी पे भरते रहते हैं जब तक इनकी प्लेटें न पूरी तरह से डूब जाएं। इसकी सहायता से धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों को समूहों को एक सेल के बर्तन में संग्रहित करके 6 सेलों को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़कर हम 12 वोल्ट की बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है उस समय रासायनिक सेल में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहला है जिस समय सेल डिस्चार्ज होना प्रारंभ होता है उस समय सेल बाह्य परिपथ लोड को धारा भेजता है तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन तथा सल्फेट के आयनों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि उस समय सेल के आंतरिक परिपथ में धारा ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर प्रवाहित होती है, जिससे हाइड्रोजन आयन धनात्मक प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन ऋणात्मक प्लेट की ओर प्रवाहित होते हैं। धनात्मक प्लेट पर हाइड्रोजन PbO2 लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन से संयोग करती है तथा सल्फ्यूरिक एसिड लेड से संयोग करके लेड सल्फेट अर्थात PbSO4 बनाता है। तो हमारा समीकरण PbO2 प्लस 2H+ प्लस H2SO4 बराबर PbSO4 प्लस 2H2O। जब ऋणात्मक प्लेट पे जाता है तो Pb+ प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस बराबर PbSO4 लेड सल्फेट बनता है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे एसिड का घनत्व 1.25 से घटकर 1.18 से भी कम हो जाता है। इस प्रकार सेल में निम्न रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन यह होता है सेल में एकत्र रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा सेल विद्युत ऊर्जा बाह्य सर्किट को देने लगता है। दूसरा परिवर्तन सेल का विभवांतर वोल्टेज कम होने लगता है। तीसरा परिवर्तन यह होता है डिस्चार्जिंग के समय हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनने लगता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व कम हो जाता है। चौथा परिवर्तन यह होता है दोनों पॉजिटिव तथा निगेटिव प्लेटें रासायनिक क्रिया करके लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जब हमारी बैटरी चार्जिंग होती है उस समय कुछ परिवर्तन होते हैं। सेल की चार्जिंग के समय हाइड्रोजन आयन निगेटिव प्लेट की ओर और सल्फेट आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगते हैं, जिससे निगेटिव प्लेट पर होने वाली क्रिया PbSO4 प्लस 2H+ बराबर Pb++ प्लस H2SO4 और पॉजिटिव प्लेट पर होने वाली क्रिया PbSO4 माइनस माइनस प्लस SO4 माइनस प्लस 2H2O बराबर PbO2 लेड ऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस प्रकार चार्जिंग के समय सेल में निम्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पॉजिटिव प्लेट में लेड परऑक्साइड भूरे चॉकलेटी रंग की तथा निगेटिव प्लेट पर लेड ऑक्साइड लेड स्लेटी रंग की हो जाती है। दूसरा परिवर्तन विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित होने लगता है। तीसरा चार्जिंग के समय सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनने लगता है तथा
हमारी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है और शेल का विभवांतर भी बढ़ जाता है। पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड शेल का विद्युत वाहक बल 2.2 प्रति शेल हो जाता है। लेड एसिड शेल में कुछ दोष पाए जाते हैं और उनको निवारण भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार लेड एसिड सेल में हमारी चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नंबर एक होता है सेंडिमेंटेशन, दूसरा हमारा होता है कोरोजन, और तीसरा होता है बकलिंग, और चौथा होता है सल्फेशन। अब हम सेंडिमेंटेशन दोष के बारे में बात करेंगे। लेड एसिड सेल की प्लेटें ठोस धातु की न होकर रेड लेड की लुगदी से बनी होती है, अतः सेलों को चार्जिंग व डिस्चार्जिंग क्रिया के समय लुगदी का कुछ अंश झड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जल के विद्युत विच्छेदन के कारण जल की अशुद्धियां सेल की तली में एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार अधिक अशुद्धियां तली में एकत्र हो जाने पर प्लेटों में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है और इस दोष को सेंटिमेंटेशन दोष कहते हैं। इस दोष को निवारण हेतु जब भी आवश्यक हो तो सेलों में आशुद्ध जल ही डालना चाहिए। दूसरा हमारा दोष है कोरोजन। कोरोजन वायुमंडल की नमी तथा अम्ल की छींटों के कारण सेल के संयोजक पर तांबे तथा लेड के ऑक्साइड की सफ़ेद तथा नीली पर पैदा हो जाती है, जो सेल के संयोजकों का चालक के तार से पूर्ण संबंध स्थापित होने से बाधक बन जाती है। ये दोष कोरोजन दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए सेल के संयोजकों को या टर्मिनलों को पानी से धोते रहना चाहिए तथा वैसलीन या ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए। तीसरा दोष हमारा है बकलिंग। ये लेड एसिड को जब हम अधिक दर से विद्युत धारा दर से चार्ज कर देते हैं तो इसकी प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे ये बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। एसिड सेल को हमेशा 6 एम्पियर से अधिक विद्युत पावर सप्लाई से चार्ज नहीं करना चाहिए तथा 2.5 एम्पियर से अधिक धारा पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, जिससे हम सेलों में बकलिंग दोष को खत्म कर सकते हैं। चौथा दोष हमारा है सल्फेशन। सल्फेशन वो दोष है जब लेड एसिड सेल एक सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए तथा जिससे उसमें लेड प्लेटें हैं वो सूखने लगती हैं, जिससे हमारा लेड एसिड सेल चार्ज नहीं हो पाता है। इसलिए लेड एसिड सेल को सप्ताह में एक बार जरूर चार्ज डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। यदि किसी कारणवश सेल में दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे हमें बहुत ही कम निम्न दर अर्थात ट्रिकल चार्जिंग पर चार्ज करते रहना चाहिए। अब आता है हमारे बैटरी के उपयोग। बैटरी हमारी कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। लेड एसिड बैटरी का उपयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा सेल्फ स्टार्टिंग के लिए उपयोग होता है और लेड एसिड बैटरी का उपयोग हमारी इमरजेंसी लाइट और इन्वर्टर में उपयोग होता है और लेड एसिड बैटरी का उपयोग हमारी स्टार्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है और रेडियो व टेलीफोन में भी उपयोग होता है। लेड एसिड बैटरी का उपयोग हमारा रेलवे की एयर कंडीशनिंग तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होता है। अब जब बैटरी हमारे पास होती है तो उसको मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बैटरी को मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो हमारी बैटरी की लाइफ घटेगी। इसलिए लेड एसिड स्टोरेज सेल को रखरखाव हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी अच्छी और लंबे समय तक चलती रहे।
बैटरी का मेंटेनेंस का पहला पॉइंट ये है, बैटरी चार्जिंग दर पूर्ण एम्पियर घंटा अर्थात AH एम्पियर हावर की दर को 1/10 से अधिक तथा अधिकतम डिस्चार्जिंग दर पूर्ण होने की AH 1/5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त दरों से अधिक दर से बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने से बैटरी की प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं जिससे बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बैटरी को जब हम कभी खरीदते हैं तो बैटरी खरीदने के बाद कम से कम 4 या 5 बार चार्ज व डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, उसके बाद ही हमें बैटरी को उपयोग में लाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है, बैटरी को लंबे समय तक अगर प्रयोग में नहीं लाना है तो बैटरी को बहुत कम दर अर्थात 1 एम्पियर पर चार्ज करते रहना चाहिए और इसमें ट्रिकल विधि को अपनानी चाहिए। चौथा पॉइंट है, बैटरी की सेलो में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो हमेशा आसुत जल का ही प्रयोग करना चाहिए। साधारण जल के प्रयोग से बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट दूषित हो जाता है जिससे बैटरी का जीवन कम हो जाता है। छठा पॉइंट है, बैटरी को चार्ज करते समय हमेशा बेंट प्लग खुले होने चाहिए और चार्जिंग का स्थान खुला हवादार होना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट है, बैटरी के पॉजिटिव व निगेटिव टर्मिनल 7वां पॉइंट है, बैटरी के पॉजिटिव व निगेटिव टर्मिनलों को हमेशा गर्म पानी से धोकर ग्रीस आदि लगा देनी चाहिए। 8वां पॉइंट ये है, बैटरी को कभी भी 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर बैटरी में सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे बैटरी को चार्ज करना कठिन हो जाता है। और 9वां पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों के ऊपर होना चाहिए क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, इससे बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट या पानी डालते रहना चाहिए। 9वां है पॉइंट, बैटरी को अधिक समय तक डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए जिससे बैटरी में सल्फेशन दोष उत्पन्न हो सकता है। और 10 पॉइंट है, बैटरी को महीने में 1-2 बार स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते रहना चाहिए। आपको बताएंगे बैटरी में प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। प्राथमिक सेल जो है वो पुनः आवेशित नहीं किए जाते हैं और द्वितीयक सेल इनको प्रयोग करने से पहले बार बार चार्ज किया जाता है। दूसरे पॉइंट है, इसका वजन प्राथमिक सेल का वजन हल्का होता है और ये कहीं भी आराम से ले जाए जा सकते हैं और इनका वजन भारी होता है अतः इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती रहती है। तीसरा, इनके समय के साथ धारा की मात्रा भी कम होती रहती है और द्वितीयक सेल में वोल्टेज काफ़ी समय तक धारा दे सकता है। चौथा पॉइंट है, इस सेल को उपयोग में लेने से पहले चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें उपयोग में लेना है तो सेल को चार्ज करना पड़ता है। 5वां पॉइंट ये है, इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है और द्वितीयक सेल का जीवन काल बहुत ही लंबा होता है और इनका विद्युत वाहक बल कम होता है और इनका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। अब सेल को हमें चार्ज करना पड़ता है तो चार्जिंग की निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1 है बूस्ट चार्जिंग विद, दूसरी है ट्रिकल चार्जिंग विद, तीसरी है AC चार्जिंग विद। अब हम आपको बूस्ट चार्जिंग के बारे में बताएं। बूस्ट चार्जिंग में चार्जिंग धारा का मान बैटरी की एम्पियर क्षमता का 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बैटरी की एम्पियर क्षमता 100 एम्पियर है तो इसकी बूस्टिंग चार्जिंग 25 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग गाड़ियों में बैटरी का में चार्ज करने के लिए बूस्टिंग चार्जिंग का उपयोग किया जाता है।
ट्रिकल चार्जिंग विधि यदि सेलों या बैटरियों को लंबी अवधि तक प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तो उनको अतिरिक्त चार्जिंग दर पर चार्ज करना की आवश्यकता होती है ताकि वे बैटरियों को अपने उपयोग में लाने जाने की दशा में सल्फेशन दोष उत्पन्न न हो तथा बैटरियों को ओपन सर्किट की हानियों से बचने के लिए अति निम्न दर की धारा पर चार्ज करने की विधि को ही हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा सेलों को लंबी अवधि तक चार्ज करने से सेलों में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.21 से नीचे नहीं गिरने पाता है, इससे सल्फेशन दोष भी उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी विधि हमारी आती है एसी चार्जिंग विधि। यदि एसी द्वारा बैटरी को चार्जिंग करना हो तो सिलेनियम या अर्धचालक डायोड रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा बैटरी को चार्जिंग हेतु एसी के एक चक्र के धनात्मक अर्ध चक्र में फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस पर होने के कारण चालन दशा में होगा। इसी प्रकार दूसरे ऋणात्मक अर्ध डायोड में D2 फॉरवर्ड बायस पर होने के कारण चालन दशा में होगा। इस प्रकार एसी चक्र के शून्य से 2π समय में बैटरी की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो नंबर एक, वोल्टेज से। पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड स्टोरेज सेल की ओपन सर्किट वोल्टेज का मान 2.4 वोल्ट होता है। दूसरा, गैस से। पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड स्टोरेज सेल के चार्जिंग के समय ऋणात्मक प्लेट पर हाइड्रोजन तथा धनात्मक प्लेट पर ऑक्सीजन तीव्र गति से मुक्त होता है, जिससे बैटरी में बुलबुले उठने लगते हैं। इससे हम ये पहचान लेते हैं कि हमारी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो गई है। तीसरा, सिरे का क्षण का रंग। पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड स्टोरेज सेल की धनात्मक प्लेट का सिरा क्षण का रंग गहरा चॉकलेटी तथा ऋणात्मक प्लेट को सिरे क्षण का रंग हल्का सिलेटी हो जाता है। इस प्रकार हम अपनी बैटरी की पहचान कर सकते हैं। चौथा, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व। जब बैटरी लेड एसिड पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होता हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.18 हो जाता है तथा जब बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है तो हमारी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.25 हो जाता है। दूसरी और एक विधि है जिससे हम बैटरी का घनत्व नाप सकते हैं, वो है हाइड्रोमीटर द्वारा। हाइड्रोमीटर द्वारा किसी बैटरी का अपेक्षित घनत्व को मापना, ये एक साधारण उपकरण है जो ध्रुवों का अपेक्षित घनत्व हेतु उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में भरे गए एसिड घोल का अपेक्षित घनत्व पानी के अपेक्षित घनत्व के सापेक्ष मापने में किया जाता है। पूर्ण चार्ज बैटरी की सेलों में भरे सल्फ्यूरिक एसिड घोल का अपेक्षित घनत्व पानी के अपेक्षित घनत्व के सापेक्ष 1.25 तथा जब बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज स्थिति में होती है तो एसिड घोल का अपेक्षित घनत्व 1.1 से 1.2 हो जाता है। इस प्रकार हमने आपको सेकेंडरी सेल क्या होता है और उसमें लेड एसिड सेकेंडरी सेल में लेड एसिड बैटरी के क्या कार्य होते हैं, उस बैटरी में क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं और हम उनको कैसे उनका निवारण कर सकते हैं तथा हमारी लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और अगर बैटरी है हमारे पास तो उसको हम किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या मेंटेनिंग की सुविधाएं होनी चाहिए और प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है और बैटरी को हम चार्जिंग करना है तो कौन सी विधि से चार्जिंग करना चाहिए। अगर मेरी बैटरी चार्ज हो गई है तो चार्ज बैटरी की हमें पहचान करना आना चाहिए। अगर उससे नहीं तो हाइड्रोमीटर द्वारा हम अपनी बैटरी की चार्जिंग स्थिति को
जान सकते हैं। ये संदर्भ हमने शशिकांत राय की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी तथा WW भारत स्किल काम से लिया है। आज मैंने सेल तथा बैटरी पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको ये प्रशिक्षण बहुत भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।